हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी, दिल्ली का कड़क लौंडा। और आज मेरे साथ में है यानी मेरी वाइफ, मतलब सच में मेरी वाइफ नहीं है बट ये आज मेरी वाइफ बनी है। तो आज हम प्रैंक करने वाले हैं दोनों रिच धवन के ऊपर। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त सीन होने वाला है थोड़ी देर में यहाँ पर, तो आप लोग बैठो, देखो आराम से और रिएक्शन इंजॉय करना। कमेंट्स में बताना क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया, आप लोग पूरा इंजॉय करना। तो मिलते हैं वीडियो के बाद, ठीक है। यार ये फोन नहीं उठा रही। हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही, बोलो। हाँ अब आइए, तुम्हारी आवाज आई है। अच्छा एक बात बताऊँ, कहाँ पर हो, आ गई सीपी? यार हाँ बस आ गई थी। कौन से ब्लॉक में हूँ यार मैं? मेरी बात सुनो, मैं बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में हो तो मेरी बात सुनो, तुम ना वहाँ पे आ जाओ जहाँ पे शेक नहीं पीते हम, बिस्तरों 57। अच्छा हाँ, शेक वाले के पास आ जाओ, चाय वाले पे नहीं जा रहे यार, वहाँ पे ना भीड़ होती है। करना क्या वहाँ आके? अबे यहीं से शूट पे चलेंगे ना एक साथ ही, और लोग भी यहीं पे बैठे हुए हैं हम। तुम इस साइड आ जाओ ना यार। नहीं नहीं अबे यही यार, मेरी कोई बात नहीं, थोड़ा दूर है लेकिन आ जाओ उधर ना यार, भीड़ ज्यादा होती है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता ना, सेटअप वगैरह सही नहीं बैठ पाता। चलो आ जाओ। तो ये आ रही है मैडम रास्ते में, तो बहुत जबरदस्त सीन क्रिएट होने वाला है यहाँ पर, आप लोग फुल एंजॉय करना। तो मैं बता देता हूँ, अपना एक काम करना, तुम यहाँ से ना चली जाना, वो डायरेक्ट आएगी, वो बाकी सारा मैं संभाल लूँगा, ठीक है? तो हम उसका वेट करते हैं, तुम यहाँ से ना चले जाओ। तो दोस्तों ये यहाँ से चली गई है, अब बहुत जबरदस्त सीन होगा, बस आराम से बैठना थोड़ा सा, मैं वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन जिसका नाम है बल्लेबाजी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है युवराज सिंह। इस एप्लीकेशन में आप घर बैठे अपने क्रिकेट के नॉलेज से लाखों रुपए तक कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन में सिंपली आपको मैच सेलेक्ट करना है कोई भी, और अपनी टीम बनाकर लीग ज्वाइन करनी होगी। रजिस्टर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर है, और इसमें खेलने के लिए आप 1 रुपए से शुरुआत कर सकते हो और लाखों रुपए तक जीत सकते हो। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो आपको मिलेगा 100 रुपीज पर रेफरल। और दोस्तों जीते हुए पैसों को आप डायरेक्ट पेटीएम में इजिली विड्रॉल कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों साइन अप करने के लिए आप फ्री 100 कोड यूज करो जिससे आपको मिलेगा 100 रुपए का मनी बोनस। तो दोस्तों अभी डाउनलोड करो बल्लेबाजी एप्लीकेशन को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ फिर किसी दिन फिर किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो यार वो आने वाली है, आ रही है। सुपर मजे में बुला लेते हो यार, वहाँ पे ना चाय वाले पे ना भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही होती है, तुम्हें पता अच्छा सा नहीं लगता, ज्यादा ही लोग हो जाते हैं और फिर चाय भी देर से बनाता है। तुम्हें पता है गुड न्यूज है क्या? अबे यार सिल्वर बटन आ गया मेरा तो मैंने ना क्या कहते हैं वो चॉकलेट लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, एक छोटी सी खाने के लिए, ये लो सिल्वर बटन की खुशी में। यार सबसे पहले सोचा कि तुम्हें बताऊंगा मैं, ये 10 रुपए वाली चॉकलेट आने यार, वैल्यू डजंट मैटर यार, फीलिंग्स मैटर करती है ना इसीलिए। और बताऊ क्या बताओ, मैं बताओ तुम बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? बढ़िया, वेट कर रहा हूँ यार सानिया का, वो भी यहीं पे आएगी ना, कैमरा समझ रहे हो ना, तो उसको लेके चलना है। और एरिक का है? एरिक आ रहा है बस, अभी वेट कर रही हूँ। क्या पता है लेट लेट शूट करने में ना प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, मैंने कितनी बार बोला दिन में क्या करो, हद है यार। चलो कोई नहीं, वैसे एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास। क्या? अरे बड़ी सॉलिड गुड न्यूज़ है, बताओ। बहुत ज़्यादा अच्छे यार, पहले मुँह मीठा कर लो यार तुम। कर दिया ये लो ना, मैं ये वाली तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा, बड़ी वाली चॉकलेट लाई हो मतलब तुम मेरे लिए। हाँ सुनो। हाँ एक्चुअली मैं टिकट्स आ गई हैं। अरे नाइस, तुम्हें भी मुबारक हो, मुझे ही मुबारक हो यार, मैंने बताया था ना रिट्स डबल, तो इनसे ही मिलवाना था। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा ये मेरी वाइफ है क्या? मजाक चल रहा है क्या? नहीं नहीं सीरियसली। शट अप यार। हाँ हाँ क्या कुछ भी मतलब हवा में तीर छोड़ रहे हो? हाँ नहीं अच्छा मेरी बात सुनो, वो डेनिम ऑल्टरेशन हो गई होगी ना, मैं वो लेकर आती हूँ, वो लेके आओ ठीक है। मैं बात कर, मैं यही हूँ, हम बात कर रहे हैं ठीक है। क्या अच्छा पहले मुंह तो मीठा करो। कर लिया मुंह मीठा। इस वाली से भी करना है, थोड़ी सी खा लो। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या? अच्छा लो तो सही, उसे क्यों गिरा रहे हो? एक मिनट, ये क्या है, क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है? क्या वो वाइफ है मेरी? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्यों करूंगा? शट अप यार। नहीं नहीं सच में,
प्रैंक कर रहे हो तो अभी नहीं, नहीं मैं नहीं कर रहा प्रैंक, नहीं कर रहा, सच्चाई में सुनो मेरी बात, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। मैं बताता हूँ, एक्चुअली जैसे तुम मेरी दोस्त हो ना, ये भी मेरी ना दोस्त थी बहुत पहले से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, हम लोगों ने नाइट आउट का प्रोग्राम बनाया था, फर्स्ट टाइम नाइट आउट का, ये बाहर थी शिमला में थी, तो वहाँ से आई थी, नाइट आउट का प्रोग्राम बनाया, तो इसके घर पे प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने जब ही अगले दिन गई ना, तो उन्होंने बोला कि जहाँ तू सारी रात रही, अब तू उसी के साथ रहे, तो पता वता लग गया था इसको ना। मेरे साथ बहुत सारी अटैचमेंट थी, फिर ये बोल रही यार मैं घर पे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसको अटैचमेंट थी, तुम्हें क्या था? तो मैं अभी यार तुम्हें तो पता है ना, मैं अपने आप को वो नहीं कर सकता ना। क्या नहीं कर सकते? मतलब हार्ड नहीं बना सकता ना, दिल पत्थर वाला नहीं कर सकता ना मैं अपना दिल, तो मैंने फिर इससे शादी कर ली। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? अभी बाकी मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी ना, अभी खर्चा भी बच गया। क्या बकचोदी चल रही है? सुनो मेरी बात, खर्चा भी बच गया मेरा। प्रैंक कर रहे हो क्या? नहीं भाई, तुम सीरियसली ले रही हर बात को, प्रैंक 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 छोड़ना होता है। ये किस लिए लाए हो? ये तुम्हें ही तो इसीलिए तो लाए हो, सेलिब्रेट करने के लिए कि दो खुशी हो गई, प्ले बटन की भी होगी और शादी की भी। नाराज हो रही हो क्या? काट रही हो गया मेरा। क्यों काटूंगा प्लीज यार। तो अबे मेरी बात सुनो, मैं तो वैसे भी सिंगल था ना, अब लड़की में कोई कमी थी तुम्हारे सामने थी यार, लुक भी अच्छा था, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, तुम बताओ कोई कमी थी उसमें? मैं तो वैसे भी सिंगल था ना, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ चाहिए ही थी, और एटलीस्ट वो मिल गई। कहते हैं ना उस दिल से प्यार करो जो तुम्हें प्यार करे, तो वो मुझे बहुत प्यार करती है। और तुम? अटैचमेंट है मेरे दिल में उसके लिए भी। तुम्हारी बताओ यार, मैं उसे नहीं जानती, बाढ़ में जाए। मेरी बात सुनो, मैं धीरे धीरे प्यार करने लगूंगा ना, अटैचमेंट तो है ना मेरे में, लेकिन यार अब वो रात भर मेरे साथ रही, हमने गलत वगैरह कुछ भी नहीं था यार, बट फिर भी अब घर वालों ने ये बात समझी ही नहीं, वो कह रहे हमारे यहाँ पे एरिया में प्रॉब्लम हो गई थी। तो तुमने शादी कर ली? यार एक बात बताओ, सिंगल शादी का कोई मजाक है? छोटी सी चीज है, शादी कर ली तो। बट अब उसके घर वाले खुश है यार, उनसे हमारी बात बात हो गई। अभी हम टिकट के पैसे भी ना उन्होंने दिए, मम्मी पापा ने, तो हम हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा था जाने से पहले मैं एक बार तुमसे मिल लूं। कहां जा रहे हो? अरे मई यार मनाली जाएंगे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अच्छी तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो? ठीक है यार, शॉकिंग है यार, क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब तुम नहीं चाहती मेरी शादी हो? चाहती हो ना तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करती हो। और तुमने बताया ही नहीं कुछ भी यार, फीलिंग सिचुएशन ही ऐसी थी, कैसे बताता मैं? मुझे तो पता भी नहीं था किसको फोन करना है किसको नहीं। उसको घर में जब तक ले ही नहीं रहते घर वाले, जब तक शादी नहीं थी, उन्होंने क्लियर कह दिया था कि जिसके साथ ही शादी करे बिना घर में नहीं आएगी, तो मैं कैसे उसके घर वालों का मान खराब कर देता? रखना जरूरी था ना, क्योंकि मैं तो वैसे भी सिंगल ही था, मेरी लाइफ में तो कोई थी नहीं दूर दूर तक लड़की। अब तुमसे नहीं बताऊंगा ये बात, मैं किससे बताऊंगा? ये बात मुझे क्यों बता रहे हो यार? सब मेरी खुशियां सारी तुमसे है ना, तुम्हें सेलिब्रेट करता हूं, तुम्हारे साथ में अच्छा, सेलिब्रेट करता हूं। मेरे साथ खुशी है तो फिर ये क्या हो रहा है? तो यार वो तो सिचुएशन थी ना। तो क्या सिचुएशन थी? क्या तुम पर इस चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं ले रही हो यार अपने ऊपर? लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रो क्यों रही हो फिर? आंखें गीली क्यों हो रही है तुम्हारी? अरे रो नहीं रही हूँ मैं यार, मतलब शॉकिंग है क्या? कुछ भी, कुछ भी क्या इसमें बुराइयां क्या थी? शादी कर ली, बुराई क्या थी इसमें बताओ? तुझे क्या बुराई थी? मैं तो वैसे भी सिंगल था, और रही बात तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो ना यार, तो शादी कर लोगे तो? अबे तो भाई सिंगल आदमी क्या करेगा, लड़की देखी थी कितनी खूबसूरत थी, सिंगल आदमी शादी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? और सिचुएशन पता कितना सारा खर्चा बच गया मेरा, बहुत सारा खर्चा बच गया। घर मेरे घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया यार उसको, कह रहे अच्छी लड़की है और क्या। अब ये बताओ, देखो आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें रिसेप्शन वगैरह अभी हमने रखा भी नहीं है, बट जैसे ही मैं रखूंगा उसमें पक्का तुम आ रही हो, ठीक है? अब थोड़ा सा मुंह मीठा करो बस, मुझे नहीं पता, मेरी खुशी के लिए तो कर लो यार। क्या ये गुस्सा क्यों कर रही हो? निकलो यार से। यार गुस्सा क्यों कर रही? मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया था। हाँ, बता दिया, निकलो यार से। यार भड़क क्यों रही हो इस बात में? बुलाया नहीं इसलिए नाराज हो? लेकिन मैंने सोचा था कि सबसे पहले लिट्स को बताऊंगा, अभी पूरी उसमें दिल्ली में सबसे पहले ये बात तुम्हें पता है मेरे घर वालों के अलावा। हम सोच रहे यार, नहीं बताया मैंने तुम्हें। अगर ये मजाक है ना भाई, मजाक क्यों करूंगा यार मैं? हद है, एक बात बता, इस सिचुएशन में कौन मजाक करेगा? वो भी एक लड़की की फीलिंग्स के साथ में, क्यों करूंगा मैं ऐसे? फीलिंग्स की बात तुम मत करो मुझसे, ठीक है? बिल्कुल तुम मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम बुरा क्यों मान रही हो? तुमने कभी मुझसे कहा यू लव मी? नहीं ना, तो इस चीज में बुरा क्यों लग रहा है यार? तुम मेरी बेस्टी हो, एज यू टोल्ड मी ऑलरेडी। कैसे आई ये? क्या मतलब अभी कौन है ये? यार मेरी शिमला की दोस्त थी, मैंने तुम्हें बताया ना, ऐसी दोस्त हो गई, ऐसी शादी हो गई, क्या? मुझे नहीं पता था यार, अभी दिल्ली में घूमने के लिए आई थी, तो मेरे साथ स्टे कर लिया इसने वन नाइट का। मेरा दिमाग खराब करके रखा है, क्या चाह रहे हो, क्या चाहते हो जिंदगी से? कुछ नहीं, मुझे बस वाइफ मिल गई, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, एक छोटी सी चॉकलेट लेके, रिसेप्शन बड़ा होगा मैं धूमधाम से करूंगा, तब भी तुम्हें बुलाऊंगा। तो अभी तो हमारी ना शाम की फ्लाइट है, तो हम लोग निकल रहे हैं, तो मैं बस तुमसे मिलना चाहता था जाने से पहले। आज मेरा शूट भी नहीं है,
खा लो ना थोड़ी सी। तुम खाओ, खुश हो ना तुम बहुत ज्यादा। मैं तो खुश हूँ यार, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मुझे बताओ तो सही। ऐसे थोड़ा होता है यार, अब मुझे जाओ, विदा विदा तो करोगी, अच्छे से तो करोगी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा, विदा तो अच्छे से करोगी। अच्छा चलो अब तो कर लो, कांग्रेस नहीं करा तुमने मुझे। नहीं रहने दो, जाओ। कमाल है यार, ऐसे थोड़ा होता है। निकलो यहाँ से। पता है इस टाइम तुम मुझे हर्ट कर रही हो, मुझे विदा अच्छे से नहीं कर रही। तीन चार पाँच दिन बाद आना है मुझे, फिर दोबारा से शूट करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा बाय तो कर लो यार। निकलो तुम भाई, बाय तो कर लो यार। कभी भी ऐसा नहीं हो, तुमने मुझे बाय नहीं किया। ये चॉकलेट ये रखी है, इसे आराम से खा लेना। ले जाओ। कभी कभी ना सिचुएशन को समझना पड़ता है, क्या सिचुएशन हमारे हैंड में नहीं होती है। मुझे समझ नहीं है कि दुनिया में। अब मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। देखो फोन आ रहा है यार एक का भी। हाँ हमें निकलना भी है। क्या है यार, क्या चल रहा है, आपको बताया नहीं। क्या देखो अच्छी नहीं लग रही, इधर आना जरा, परफेक्ट लग रही है ना ये देखो। और क्या चाहिए, हाइट ओवरऑल। मैं तो खुश हूँ यार, तुम हैप्पी हो मेरे साथ बहुत, में मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत टाइम से इनको पसंद करती थी, बट बोला नहीं था कभी भी। और भगवान भी देखो यही चाहता था। वो तो गलती से होता है, यही प्लान कर रही थी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कर लूँ, मैंने बहुत बताया कि मैं किसी को लेकर कन्फ्यूज हूँ, फिर सिचुएशन ऐसी हो गई तो आई एम हैप्पी विद हर। आई एम सो सॉरी यार, बट सीधी बात, तुम तो मेरी बेस्टी हो ना यार, तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए ना। सही है, कंग्रेचुलेशन बहुत ऑफ यू। थैंक यू। हग नहीं करेगी, कर ले यार, कोई बात नहीं ना, एक लास्ट बार कर लो यार, क्या हो गया। 5 दिन बाद मिलेंगे, अच्छे से शूट करेंगे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट शूट कर करेंगे। अच्छा मुझे तो हग कर लो यार। अच्छा इन्हें तुम कर लो यार, तुम कर लो, तुम लोग कर सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत क्यूट हो आप, बहुत, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। रो क्यों रहा है यार? अरे हो, रो थोड़ा हो जाता। दोस्त हो यार तुम मेरे, खुशी के आंसू है क्या? रो मत यार। रो क्यों रहे हो? या तो लग रहा है ना यार, या तो मुझे बताने चाहिए था। इन्हें पता है, मुझे बताया नहीं कुछ भी अपने आप। अच्छा एकदम से हो गया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, या मैं इसके साथ इसलिए आपको बुरा लग रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट अपनी है 7:30। तो यार अभी निकलना पड़ेगा, 5 दिन बाद मिलते हैं। दो मना लूंगा तुझे मैं कॉल पे, ज्यादा ड्रामे ना कर, ठीक है? चल बाय, रोया ना कर, और चॉकलेट खा लियो आराम से, ठीक है? बाय। है ना, बाय बाय। पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। अच्छा मेरी बाइक देख, मैं पता है दूर से देख रहा था कि शायद चॉकलेट उठा के खा लेगी, लेकिन रोए जा रही है। अपनी चॉकलेट अपने पास रखो और निकलो यहाँ से प्लीज। ये तो तुम्हारी लेती है, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाया था कैडबरी की। नहीं मुझे पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने चॉकलेट, सुनो मेरी बात, एक ना गुड न्यूज और है, मेरी बात सुनो। हमने ना 3 टिकट बुक कराई थी, एक इनकी, एक मेरी, एक तुम्हारी। पत्नी है क्या तुम्हारी? नहीं नहीं, एक तुम भी तो हो। मैं क्या करने जाऊं, 3 लोग जाएंगे ना हम। तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे यार हम, हनीमून पे। तुम इंपॉर्टेंट हो ना। अरे मैं बताऊँ क्या करेंगे, इधर आओ पहले, तुम इधर आओ यार, इधर आओ, यहाँ आओ। हम तीनों ना वहाँ जाके शूट करेंगे, हमारा प्लान था शिमला मनाली जाके शूट करेंगे, तो हमने सोचा शूट की शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रैंक करना था हमें एक रेड सेवन के ऊपर, तो उसे चुड़े में बुलाया था मैंने, आ जाओ मेरी बाइक बन के, अच्छी नहीं लग रही लड़की साले, बाहर निकल के कैमरा उठाइए ऊपर को। अच्छा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा टिकट बुक हो चुके हैं, शूट करेंगे, एरिक की भी करा लो, ठीक है? हमारी हो चुकी है, इनकी भी हो गई है। अब का नहीं है, थोड़े दिन बाद का प्लान है।
अच्छी नहीं लग रही यार, ये फुकरे जोन पे आई है दिशु, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। अच्छा ग्राहक तो कर लो, वेलकम तो कर लो यार, कर तो लो वेलकम तो कर दो इनका यार, अच्छे से वेलकम करो, ऐसे बना के वेलकम करोगी मेरा। थोड़ी स्मेल तो ले, अच्छे चॉकलेट अब तो खा ले, उनकी खुशी में आने के में खा ले। ये YouTube पे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, प्लीज नहीं। जाएगी भाई और आ रही है। मुझ पे पड़ी है ना कमेंट्स, तुम पे भी पड़नी चाहिए। बहुत रुलाया था मुझे, कुछ नहीं भाई, बहुत रुलाया था मुझे, तो आ चुका है पार्ट 3, एंजॉय करो दबा के। ये YouTube पे नहीं जाएगी। जाएगी जाएगी, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुन रहा, बताओ। सॉरी टू से, बट मैं हमारी दोस्ती खत्म करना चाहती हूँ अभी। अरे छोड़ो, तो पार्ट 4 की तैयारी कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये कह रही है कि पार्ट, ये दोस्ती खत्म करके रिलेशन में आ रही हो? नहीं। हंस रही है भाई, अंदर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तुम दोनों रहो जाओ भाई, ये तो हम लोग तो करेंगे साथ में काम। फुकरे जोन पे आ चुकी है लड़की, खत्म करनी है तुम हर बार मुझे। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो यार। तो दोस्तों आउटरो शूट करने से पहले बताता हूँ, रिट्स बुरी तरह रो रही थी, तो इसकी आंखें खराब हो चुकी है, शायद थोड़ा बहुत अभी भी रो रही है, तो चश्मा लगा देते हैं। अब थोड़ी सी अब हाथ पकड़ लेते हैं इनके। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई तो फैला दो यार वीडियो को, और स्वागत करो दिशु का फुकरे जोन चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे आप हम दोनों पे प्यार बना रहे हो ना, तो प्लीज हमारी नई पार्टनर पे भी प्यार बनाए रखें, बहुत मजा आएगा आने वाले फ्यूचर में। और इस वीडियो को एंजॉय करो यार, मैं चाहता हूँ मैं आज की कमेंट दबा के एंजॉय करूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल। कुछ और बोल दो यार। मुझे उम्मीद है प्रैंक ऑन यश चौधरी नहीं आएगा। आएगा। अच्छा कोई नहीं, होता है होता है होता है होता है। चलो ठीक है, बाय।